क्या अभी लिपस्टिक नहीं लगाए? लिपस्टिक नहीं लगाए? फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लाली और लाली की जहाँ में फिर से आप सभी का स्वागत है। स्वागत है फिर से आपका एक नए ब्लॉग में। सो फ्रेंड्स, तो फिलहाल हो चुकी है सुबह। मेरा फेस देख के आपको लग ही रहा होगा कि अभी फिलहाल सुबह सुबह ही है। अभी हम लोग फ्रेश भी नहीं हुए हैं और सारे आदमी थोड़ा कुछ फ्रेश होने के लिए गए हैं। थोड़ा शांत है यहाँ पे, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी एंट्री मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। मैं कुछ बोल देती हूँ क्योंकि जब ज़्यादा लोग रहते हैं तो बोल नहीं पाते, उतनी आवाज़ क्लियर नहीं आती है। सो फ्रेंड्स, तो आज है हमारे घर पे एक फंक्शन, एक जिसमें कि पूरी फैमिली मतलब सारे लोग इकट्ठा होने वाले हैं, जो कि ये मौका बहुत कम हम लोगों को मिल पाता है। इस तरह से आप लोग भी समझ ही पाते हैं कि सब लोग अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं अभी के टाइम में कि एक साथ हो नहीं पाते हैं। तो ये एक गेट टुगेदर है एक फैमिली के बीच में। सो फ्रेंड्स, तो चलिए आज शेयर करते हैं। ये ब्लॉग ज़्यादा पागल नहीं बन पाएगा क्योंकि उतना ज़्यादा करते हैं कि जब फंक्शन रहता है तो और भी बहुत लोग बिजी हो जाते हैं, तो उतना ज़्यादा हर एक चीज़ शेयर नहीं कर पाते हैं। सो फ्रेंड्स, तो बस ये एक छोटा सा ही वीडियो मैं आपसे शेयर करूँगी। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी हर एक चीज़ों को इस वीडियो में मैं शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो बस बने रहिएगा पूरे वीडियो में और आपको दिखाएंगे कि आज फिलहाल हम लोग क्या क्या चीज़ें करते हैं। फ्रेंड्स, ठंड भी थोड़ी बढ़ गई है। खैर, आज तो उतनी ज़्यादा ठंड नहीं है। हम लोग सोच रहे थे कि पता नहीं आज इतनी ज़्यादा ठंड करेगी, बट आज उतनी ज़्यादा ठंड नहीं है। लेकिन फिर भी मेरी पता नहीं आवाज़ मेरी थोड़ी लगता है मेरी ख़राब हो गई है, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है फिलहाल। तो मैंने अपने बालों में रात में मैंने ऑयलिंग कर ली थी, क्योंकि जब भी मुझे नहाना रहता है तो मैं रात में ऑयलिंग कर लेती हूँ, ताकि इससे बाल भी आपके बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहते हैं और बाल आपकी रफ़ भी नहीं होती है। सो तो इन छोटी छोटी चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। तो फिलहाल मैं भी उठ चुकी हूँ और मैं भी फ्रेश होंगी, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। A few moments later. सो फ्रेंड्स, तो फाइनली यहाँ पे सारे लोग हो रहे हैं रेडी फंक्शन के लिए और मैं भी फिलहाल यहाँ पे नहा के आ चुकी हूँ और मुझे भी रेडी होना बाकी है। सो फ्रेंड्स, तो फाइनली अब आपको दिखाते हैं कि सारे लोग किस तरीके से तैयार हो रहे हैं और क्या क्या चीजें सब लोग कर रहे हैं। राय भाई, इधर देखो, यहाँ देखिए, अभी लिपस्टिक नहीं लगाए। क्या अभी लिपस्टिक नहीं लगाए? लिपस्टिक नहीं लगाए? हाँ, ये हमारे आई शेडो लगाने जा रहे हैं बट कपड़ा नहीं पहने हैं। बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे इनको देखो भाई, मतलब ये तो बिल्कुल भूत सी बन गई हैं। गजब बेइज्जती है। हाँ, हम अपने ग्राउंड पर होते हैं रेडी, है ना राइबा? अभी कब होते हैं रेडी और मिलते हैं रेडी होने के बाद। सो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हो रहे हैं सब लोग रेडी। तो मैं एक काम करती हूँ कि मैं सबसे पहले मैं सबको देख लेती हूँ कि सब लोग किस किस तरह से तैयार होते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं सबसे ज्यादा मैं खराब लगूं। अरे कहना क्या चाहते हो? सो फ्रेंड्स, तो फिलहाल यहाँ पे सब लोग हो रहे हैं रेडी फंक्शन में जाने के लिए और मैं भी फिलहाल नहा के आ चुकी हूँ और मुझे भी होना है रेडी। तो टाइम अच्छा खासा हो चुका है, लगभग 12 बज चुका है और 12 बजे तक हम लोग को निकलना था, लेकिन टाइम बहुत ही ज्यादा हो चुका है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो फिर चलिए बस बने रहिए पूरे ब्लॉग में और आगे और देखिए कि आगे और हम लोग आज बहुत ही ज्यादा मस्ती करते हैं। तो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे फाइनली मैंने अपना ड्रेस निकाल लिया है और मेरी ड्रेस जो है वो बिल्कुल आयरन नहीं की हुई थी, कि मतलब आयरन करके रखे थे, बट आपको तो पता ही है कि वो फिर से ख़राब हो जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा वेट करो और अब मैं होने वाली हूँ रेडी। सो वेट एंड वॉच। रुको जरा, सब्र करो। सो फ्रेंड्स, तो फाइनली ये है मेरा आज का लुक और आप लोग कमेंट करके बताना कि मैं कितनी ही ज़्यादा मैं प्यारी आज मैं लग रही हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर। सो फ्रेंड्स, तो सब लोग हो चुके हैं रेडी, तो फिर चलिए सारे लोगों को आपको दिखाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। राघव, आशी, तो फाइनली हम लोग सब लोग हो चुके हैं रेडी और अब हम लोग निकले और आज ये मैंने अपना एक नया पर्स मैंने यूज किया है। ड्राइवर हम भी देख लो। सो फ्रेंड्स, तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं घर से और हम लोग पहुंच चुके हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे। जी हाँ, जहाँ फंक्शन है हम लोग वहाँ पहुंच चुके हैं। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। सब लोग इसलिए खुश हैं क्योंकि इस तरह का मौका जल्दी बार बार मिल नहीं पाता है और आपको तो पता ही कि सब लोग अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते हैं। तो इस तरह का फंक्शन हमारे घर पर करीब 10 साल के बाद हुआ है, अप्पी की शादी के बाद ऐसा मौका 10 साल के बाद मिला है, जो कि इस तरह से सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। तो ये था एक प्यारा सा वीडियो, यहाँ पर आप
देख सकते हैं कि सारे लोग हैं यहाँ पे, सारी अप्पी लोग, अप्पी की बेटी, उनके दामाद, बच्चे लोग, सारे लोग हैं यहाँ पे इकट्ठा। तो सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश है। इस पर्सनली मैं भी बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि इस तरह का मौका नहीं मिल पाता है, सबसे मिल नहीं पाते हैं, एक साथ होकर नहीं मिल पाते। एंड फ्रेंड्स, उसके बाद जब हम लोग फंक्शन है भाई, तो एक फैमिली वीडियो तो बिल्कुल होनी ही चाहिए। एंड यहाँ पर मैं आपसे कुछ फ़ोटोज़ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये थी एक छोटी सी प्यारी सी, एक बहुत ही अच्छी सी फैमिली वीडियो। सो फ्रेंड्स, तो मिलते हैं आपसे फिर से एक अच्छे से प्यारे से, एक बहुत ही बढ़िया से ब्लॉग में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।